डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे आप फॉल्स लैशेस अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली। जिनको फॉल्स लैशेस अप्लाई करना आता है तो उनके लिए तो बहुत ही इजी वर्क है, बट जिनको आती नहीं है ये अप्लाई करना, उनके लिए ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट वर्क है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे आप इसे बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको ज़रूरत है वो है फॉल्स लैशेस। मैं लोकल ब्रांड की फॉल्स लैशेस अप्लाई करती हूँ, कोई महंगी वाला कोई ब्रांडेड फॉल्स लैशेस अप्लाई नहीं करती हूँ। ये आपको 60 to 50 रुपीज़ में आ जाएंगे, मतलब 100 के अंदर आपको काफ़ी अच्छी लैशेस आ जाएंगे। बट हाँ, इसके साथ जो ग्लूज रहते हैं वो बहुत ही ख़राब है, उसे बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए, उससे काम नहीं होती है। तो आपको अलग से ग्लू खरीदना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है डुओ का आईलैश ग्लू है, ये 100 रुपीज़ का है। इसे आप ऑनलाइन से भी परचेस कर सकते हैं, ये ऑनलाइन पर भी अवेलेबल है। इसकी प्राइस 100 to 200 के अंदर हो जाएगी। तो द ग्लू डुओ आईलैश अधेसिव, ये वाइट ग्लू है। तो ये है दोनों लैशेस। इसे पहले आपको काट कर प्रिपेयर कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक छोटा है एक बड़ा है, एक मेरी आई की साइज़ की है बट ये थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी काट लेना है इसे। अब आपको ये जो आई लैशेज है यहाँ पर आपको ग्लू अप्लाई करना है यहाँ पर। ये देखिए मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। अब इसे ऐसे हवा में ऐसे हिलाइए ताकि जो ग्लू है थोड़ी सी सूख जाए, बट एकदम सूखने नहीं देना है। 30 सेकंड्स तक ऐसे होल्ड करके रखिए इसे। फिर आपको चाहिए एक ट्वीज़र, ये मेरी मैनीक्योर सेट में थी बट आईलैश अप्लाई करने की अलग सी एक ट्वीज़र मिलती है, आप उसे परचेस कर सकते हैं या फिर आपके पास ऐसा कोई ट्वीज़र है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ऐसे ट्वीज़र में होल्ड करना है, पकड़ना है ऐसे, और इसे आपकी आइज की जो एकदम मिडिल है वहाँ पर इसे ऐसे चिपका देना है। फिर उसकी जो तो इसे ऐसे दोनों कॉर्नर पर ऐसे प्रेस करना है आपको आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये जो कॉर्नर पे अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये इसे मैंने अप्लाई कर लिया है, ये सेट हो गई बिल्कुल। अब आपकी जो मस्कारा है उससे रीअप्लाई करना होगा, तो मैं इसे रीअप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों लैशेज अप्लाई कर लिया और कितनी ईजिली अप्लाई कर लिया। आप भी ये कर सकते हैं अगर ये छोटी छोटी स्टेप्स फॉलो करेंगे, बहुत ही आसान है, आप बहुत ही ईजिली ये कर सकते हैं। बस आपको जो एडहेसिव है उसे हाफ सूखने तक वेट करना है। पहले मेरी भी प्रॉब्लम होती है, जो मैं जो ग्लू अप्लाई करती थी उसे अप्लाई करने के बाद ही उसे सेट करने के लिए ऐसे बिठा देती थी, ऐसे लैश अप्लाई कर देती थी, तो क्या होता है लैश ठीक से चिपकती नहीं थी और वो निकल आती थी। तो ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। ग्लू अप्लाई करने के बाद उसे थोड़ी सी वेट करना है ताकि वो आधी सूख जाए, फिर आपको उसे चिपकाना है, तो वो बहुत ही आसानी से चिपक जाती है। और जब आप उसे अप्लाई करेंगे, लैश जब चिपकाएंगे तो उसे ट्वीज़र से चिपकाइए, आपकी फिंगर से नहीं। अगर आप बिगिनर है तो आप फिंगर से उसे अच्छी तरह से चिपका नहीं पाएंगे, तो ट्वीज़र का इस्तेमाल कीजिए और उसे मिडिल में ऐसे चिपकाइए। मिडिल में चिपकाने के बाद आप जब दोनों कॉर्नर को ऐसे चिपका देंगे तो वो बहुत ही आसानी से सेट हो जाएगी। और अगर कुछ गलतियाँ होती भी हैं तो आप जब ऐसे ऐसे करेंगे, प्रेस करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो ये है कुछ बेसिक टिप्स कि कैसे आप फॉल्स आईलैश अप्लाई कर सकते हैं। और आईलैश अप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली थोड़ी सी मस्कारा अप्लाई कर लीजिए, तो क्या होगा वो लैश जो है नेचुरल दिखेगी, आपकी नेचुरल जो लैशेज हैं उसके साथ वो घुल मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, जो है कैसे आप फेक या फिर फॉल्स आईलैश अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे से और भी ऐसे वीडियोज़ की वीडियो नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।